हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट अकाउंटिंग आरसनआर पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंश्योरेंस की एंट्री को लेके। तो दोस्तों, अगर आप एक फ्रेशर अकाउंटेंट हो, नए अकाउंटेंट हो, तो आपको कंपनी में इंटरव्यू के दौरान कुछ इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, या फिर आपसे इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ एंट्रियाँ भी करवाई जा सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिविजुअल कंपनी, यानी कि ऐसी कंपनी जहां पर केवल सिंगल ही प्रोपराइटर है, अकेला ही मालिक है। तो दोस्तों, ऐसी कंपनी में अक्सर होता क्या है, भी वो जो कंपनी का मालिक है उसने अपने खुद का भी इंश्योरेंस करवाया होता है, और उसके साथ साथ उस कंपनी में जो उसकी महंगी एसेट है, जैसे कोई मशीनरी होगी, कोई बाइक होगी, या कोई कार होगी, या उसके पास अगर कोई महंगा ज़्यादा स्टॉक रहता है तो स्टॉक के ऊपर भी इंश्योरेंस होता है। तो दोस्तों, ऐसी एंट्री हमें टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में करनी कैसे होती है? अगर प्रोपराइटर ने खुद का इंश्योरेंस करवाया है तो उसकी एंट्री हम टेली सॉफ्टवेयर में कैसे करेंगे, या फिर उसने अगर एसेट पे या किसी एक्सपेंसेस पे अगर उन्होंने कोई स्टॉक पे तो अगर उस पर अगर उन्होंने अपना इंश्योरेंस करवा रखा है तो उसकी एंट्री हमें GST से रिलेटेड किस तरीके से करनी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये सारी बातें प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं PDF फाइल के साथ। तो बने रहिए आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज की जो वीडियो है एक नए अकाउंटेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, साथ पर ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मोहन सुथार, और स्वागत आप सभी का। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये प्रैक्टिकल वीडियो। तो दोस्तों, इस टेली सॉफ्टवेयर में हमने कोई भी अभी तक वाउचर की एंट्री नहीं करी है, और एक बार हम एक इंश्योरेंस की इस पॉलिसी को देख लेते हैं। तो आप देख रहे हो दोस्तों, ये एक श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाया हुआ है, और ये जो इंश्योरेंस आप देख रहे हो उस कंपनी के एक व्हीकल का, यानी कि एक कार का इंश्योरेंस है। और जब कार का इंश्योरेंस करवाया तो उसके ऊपर आप देख रहे हो सर्विस चार्ज के रूप में CGST और SGST 18% का मतलब GST लगा हुआ है। तो अब हमें, अगर आपकी कंपनी, जिस कंपनी में आप अकाउंटिंग मेंटेन करते हो, और वो कंपनी सर्विस का जो GST है उसका ITC लेने के लिए एलिजिबल है, तो उसकी एंट्री हमें किस तरीके से करनी है? अगर आपकी कंपनी GST मतलब जो सर्विस पे है, इस तरीके का अगर कोई इंश्योरेंस के ऊपर अगर कोई GST टैक्स लग के आता है, अगर उसको ITC क्लेम नहीं करना चाहती, तो उसकी एंट्री आपको किस तरीके से करनी है? और उसके बाद में हम बात करेंगे भी अगर प्रोपराइटर ने अपना खुद का इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो भी उसके पास इसी टाइप की पॉलिसी आएगी, उसके ऊपर भी GST है जो 18% लग के आएगा, तो उसकी एंट्री किस तरीके से करनी है? तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये करेंगे एक एसेट की एंट्री। मान लीजिए हमारे कंपनी में कार है और उस कार के ऊपर ये इंश्योरेंस हुआ है। तो कार की इंश्योरेंस के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको GST तो इनेबल आपको करना ही पड़ेगा, F11 आपको प्रेस करना है, और उसके बाद में GST को एक्टिवेट कर लेना है आपको, और उसके बाद में सारी डिटेल्स आपकी फिलअप कर लेनी है, और उसके बाद में हम सेव कर लेंगे इसको। जब उसके बाद में इसकी एंट्री करने के लिए हम जाएंगे वाउचर पे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारी कंपनी इसके ऊपर ITC लेने के लिए एलिजिबल है, यानी कि इसके ऊपर जो टैक्स लगा हुआ है उसका ITC हमें क्लेम करना है इस कंपनी से, तो उसकी एंट्री हमें किस तरीके से करनी है? तो इसके लिए हम जाएंगे परचेज वाउचर पे, और परचेज वाउचर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मोड चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको लाना पड़ेगा पर्टिकुलर्स, तो इसके लिए हम चेंज मोड पे क्लिक करेंगे, या फिर आप Ctrl+H भी क्लिक कर सकते हो। तो इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे अकाउंटिंग इनवॉइस पर। तो आप देख रहे हो अब यहाँ पर पर्टिकुलर आ गया, उसके बाद में सप्लायर इनवॉइस नंबर। तो दोस्तों, अब जैसा कि आप देख रहे हो ये हमारे पास पॉलिसी है, अगर आपकी कंपनी GST में रजिस्टर्ड है तो आपको कंपनी, ये जो कंपनी आपको इसका जो इनवॉइस है इस इंश्योरेंस की पॉलिसी का, तो वो आपको प्रोवाइड कराएगी। तो उसके बाद में आप इनवॉइस को देख के भी एंट्री कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर ये जो डाटा वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो एक बार अगर आप एंट्री करना चाहते हो तो हम एंट्री इसको देख के भी कर सकते हैं। तो इनवॉइस नंबर आपके पास क्या आएगा वो हम यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर पे बाद में डाल देंगे। तो अब हम एक बार इसका जो पॉलिसी नंबर है वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो इसका जो पॉलिसी नंबर है एक बार हम शुरू के ये 4-5 डिजिट है, ये एक बार हम डाल देते हैं। और उसके बाद में पार्टी अकाउंट नेम। तो अब पार्टी का अकाउंट नेम यानी कि कौन सी कंपनी है, ये श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी का, तो इसके नाम से हमें लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम Alt+C के साथ एक लेजर क्रिएट करेंगे यहाँ पे श्रीराम, और उसके बाद में जनरल इंश्योरेंस,
और ये हमारे लिए सप्लायर है, तो हम इनको रखेंगे सैलरी क्रेडिटर में और उसके बाद में इंटरप्रेस करते हुए अब सबसे पहले हमें यहाँ पे डिटेल देखनी है स्टेट कौन सा सिलेक्ट करना है। तो स्टेट सिलेक्ट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको इस कंपनी का जीएसटी नंबर देख लेना है। तो अब जीएसटी नंबर आप देख रहे हो 08 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये जो कंपनी है राजस्थान की है। तो आपको यहाँ पर जो स्टेट है राजस्थान सेलेक्ट करना है, रजिस्ट्रेशन इसमें आपको यहाँ पर रेगुलर करना है और उसके बाद में जीएसटी नंबर। तो ये जो जीएसटी नंबर है उसकी पॉलिसी के ऊपर लिखा हुआ है, या अगर आपके पास इनवॉइस आता है तो आप इनवॉइस को देख के भी एंट्री कर लोगे। तो जैसे कि हम ये जीएसटी नंबर ये हम डालेंगे यहाँ पे AAKCS और इंटरप्रेस करते हुए इसको सेव करेंगे। अब उसके बाद हमने इंश्योरेंस के रूप में सर्विस ली है, तो इंश्योरेंस हमने कार का इंश्योरेंस कराया हुआ है, तो हम यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर लेंगे कार इंश्योरेंस। तो एक बार हम इसके आगे हिंट भी दे देंगे जीएसटी का, यानी कि ये टैक्सेबल इंश्योरेंस हमने लिया है, तो ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा। और उसके बाद में जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे इसको, और इसको हम करेंगे यहाँ पे यस। तो अब इसको यहाँ पे जो एच एस एंड डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर हम लिख देंगे इंश्योरेंस, और उसके बाद में जो इस एच एस एन कोड है जो इसका इंश्योरेंस का, तो वो आपको जब इसका इनवॉइस आपके पास आएगा तो उस इनवॉइस में सब कुछ डिटेल आपको मिलेगी। तो हम एक बार 1234 डम्मी के लिए हम डाल देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आपको डालना होगा परचेज टैक्सेबल और IGST 18%, और यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई में आपको रखना होगा सर्विस, इंटरप्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद में इस पॉलिसी की जो टैक्सेबल वैल्यू है वो रहेगी 2857 रुपये और 98 पैसे। तो 2857 रुपये और 98 पैसे, और उसके बाद में हमें यहाँ पे लगाना होगा CGST टैक्स और SGST टैक्स। तो आप देख रहे हो इसकी जो इंश्योरेंस की वैल्यू है वो 3372 रुपये हो गई है। तो अब यहाँ पर इसकी इनवॉइस हम देखें तो ये भी आपको यहाँ पे 3372 रुपये और 42 पैसे, क्योंकि अब यहाँ पर जो टैक्स की जो अमाउंट है वो पूरी राउंड फिगर के साथ 257 रुपये ही है, लेकिन यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर ने जो कैलकुलेट किया है वो 257 रुपये और 22 पैसे किया है। तो आपको इस अमाउंट के साथ छेड़खानी नहीं करनी है, अदरवाइज आपकी जीएसटी रिटर्न के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो हम यहाँ पर राउंड ऑफ का लेजर अलग से क्रिएट कर देंगे, और ये रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, जीएसटी इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल रहेगी। और उसके बाद में हमें 42 पैसा कम करना है, तो -0.42, और इंटरप्रेस करते हुए हम इसको करेंगे सेव। तो इस तरीके से हमने इसकी एंट्री करनी है। अब ये जो एंट्री हमने करनी है इसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा, तो हम देखते हैं जीएसटी रिटर्न पे जाके डिस्प्ले पर हम जाएंगे, और उसके बाद में जीएसटी रिपोर्ट पर जाएंगे। जीएसटी R2 को अगर हम देखेंगे तो आप देख रहे हो इसका इफेक्ट है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा आपके B2B इनवॉइस में, यानी कि इसका आपको ITC क्लेम करना था, तो ये आपकी डिटेल यहाँ पर आएगी। एंटर हम प्रेस करेंगे तो वही एंट्री आपको यहाँ देखने को मिलेगी इंश्योरेंस वाले, और इसका ITC है। अगर आप 3B रिपोर्ट देखोगे तो 3B के अंदर भी आपको ये टोटल इंश्योरेंस का जो ITC जो टैक्स हमने पे किया था 514 रुपये और 44 पैसे वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोस्तों ये तो थी अगर हमारे पास GST, अगर हम विद GST की अगर एंट्री करते हैं तो। अब मान लीजिए अगर आपकी कंपनी GST के साथ एंट्री नहीं करना चाहती है तो आपको इसकी एंट्री कैसे करनी होगी, हम इस एंट्री को डिलीट नहीं करेंगे, दूसरी एंट्री हम आपको करके दिखाएंगे। तो दोस्तों मान लीजिए आपकी कंपनी ने श्रीराम की इंश्योरेंस की जो ये कंपनी है इस कंपनी को बाई चेक पेमेंट करना है, तो सबसे पहले आपको एक जर्नल वाउचर तैयार करना पड़ेगा, F7 हम यूज करेंगे, और इसके बाद हम एक लेजर यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे कार इंश्योरेंस। तो ये नॉन GST का है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा, GST इसके ऊपर आपको नॉट एप्लीकेबल करना है। तो इसके बाद आपकी जो इंश्योरेंस की जो टोटल वैल्यू है नेट वैल्यू विद टैक्स के साथ 3372 रुपये, तो ये आपको 3372 रुपये डेबिट करना होगा, और उसके बाद में श्रीराम इंश्योरेंस कंपनी को यहाँ पर आपको क्रेडिट करना होगा। और उसके बाद में यहाँ पर इस नरेशन में हम डिटेल डाल सकते हैं जो भी आपके एसेस्ट के ऊपर आपने कराया, जैसे कि कार इंश्योरेंस आपने करवाया हुआ है, तो वो डिटेल इंटरप्रेस करेंगे। तो इसका जो इफेक्ट है आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दोनों की एंट्री हम देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करेंगे तो आप देख रहे हो ये कार इंश्योरेंस की जो एंट्री है यहाँ पर तो आपको दिखाएगा इसकी टैक्सेबल वैल्यू,
और अगर आप विदाउट जीएसटी की एंट्री करते हो तो आपको पूरी नेट अमाउंट दिखाएगा 3372 रुपए की। अब ये जो एंट्री है इसका कोई जीएसटी रिटर्न के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। अब हम बात करते हैं भी अगर कोई कंपनी जो प्रोपराइटर है इस कंपनी का उसने अगर अपना खुद का इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो उसकी एंट्री हम किस तरीके से करेंगे। मान लीजिए ये इंश्योरेंस है और ये इंश्योरेंस उसने अपना पर्सनली खुद का करवाया हुआ है, ये लाइफ इंश्योरेंस हो गया, तो इसकी एंट्री हमें किस तरीके से करनी है। तो सबसे पहले हमें एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर। अब मान लीजिए जैसे मैं मेरा यहाँ पर नाम टाइप कर देता हूँ मोहन सुथार। मान लीजिए मैं इस कंपनी का प्रोपराइटर हूँ तो इसको मैं इंटरप्रेस करते हुए सेव करूंगा। अब उसके बाद में ये तो था मेरा प्रोपराइटर लेजर बनाने का, अब इसके बाद में मुझे एक पर्सनली एक लेजर और क्रिएट करना पड़ेगा इंश्योरेंस। अगर मैं अगर खुद का पर्सनली इंश्योरेंस करवाता हूं तो इंश्योरेंस सेल्फ, तो अब इसका जो ग्रुप रहेगा वो रहेगा कैपिटल अकाउंट। ये हमें ध्यान रखना क्योंकि जो फ्रेशर अकाउंटेंट होते हैं वो सभी इंश्योरेंस को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही समझते हैं, जबकि सभी खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होती। अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा खर्चा जो प्रोपराइटर है उसका खुद का खर्चा है, उससे प्रोपराइटर से रिलेटेड ही अगर कोई खर्चा है तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो इसको हम रखेंगे यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में। अब इसकी जब हम एंट्री करेंगे तो सेम एंट्री करने का जो तरीका वो सेम यही है। मान लीजिए इसकी भी पेमेंट आपको बाई चेक ही करनी है तो इसकी एंट्री हम यहाँ पर करेंगे, जैसे कि हमने लेजर बनाया अभी इंश्योरेंस सेल्फ का और इसकी जो वैल्यू इंश्योरेंस की 3372 रुपए की, और यहाँ पर हम करेंगे श्रीराम को क्रेडिट। इसको हम करेंगे यहाँ पे न्यू रेफरेंस। और इसके बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये जो मतलब इंश्योरेंस से संबंधित अगर कोई टर्म एंड कंडीशंस है या क्या कंडीशन है इस इंश्योरेंस की, तो सारी डिटेल्स अगर आपको इस नरेशन में हम लिख सकते हैं, इसका पॉलिसी का नंबर वगैरह, ये मेच्योरिटी डेट वगैरह जो भी है हम लिख सकते हैं, एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद में जब हम इसकी बैलेंस शीट देखेंगे तो ये जो बैलेंस जो खर्चा हमारा रहा है वो आपका जाएगा कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर 3372 रुपये का। और उसके बाद जो हमने दो अलग एंट्री करी थी आप देख रहे हो यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ये 514 रुपये और 44 पैसे का हमें ITC क्लेम हो गया है जो कि बैलेंस शीट में आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हम अगर कोई सेल्फ यानी कि जो प्रोपराइटर है उसका खुद का अगर कोई इंश्योरेंस है तो उसकी एंट्री हम इस तरीके से करते हैं। अगर या फिर हमारी जो कंपनी के जो रिलेटेड से अगर कोई खर्चे हैं यानी कि एसेस्ट का या फिर उसके खर्चे का, कोई स्टाफ के कोई मतलब कोई इंश्योरेंस उसने कराया हुआ है या कोई स्टॉक के ऊपर कोई इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो उसकी एंट्री हमें, अगर आप ITC लेना है तो हम करेंगे परचेज वाउचर के साथ में, जैसे कि हमने ये एंट्री करी थी। अगर आपको ITC नहीं क्लेम करना है तो आपको एंट्री करनी होगी इस टाइप से जर्नल एंट्री। अब जब हम इस पार्टी को पेमेंट करेंगे तो नॉर्मल हम वाउचर पे जाएंगे और F5 करके हम पेमेंट करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे कंपनी का नाम और 3372 रुपये, और उसके बाद में हम क्रेडिट कर देंगे। अगर मान लीजिए आपने कैश पेमेंट कर दिया तो आप कैश को क्रेडिट करोगे, अगर आपने बैंक के थ्रू पेमेंट करी है तो आपको भाई बैंक का जो लेजर है वो क्रिएट करना पड़ेगा और उस बैंक के लेजर को यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा और इस वाउचर को हम करेंगे एक्सेप्ट। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों एक लाइक देके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।